अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नबील रशीद। आज मेरे लिए बड़ी ही खुशी का दिन है, बड़ी मसरत का दिन है। उसकी वजह बुनियादी ये है कि आज मैं इंटरव्यू लेने के लिए पहुँचा हूँ लेजेंडरी सिंगर अताउल्लाह खान इसाखेलवी साहब का। मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बचपन से इनको फॉलो कर रहा था, इनके गाने सुन रहा था। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि एक वक्त था जब मैं 8th 9th क्लास में था, तो मैं इनके गाने सुनता था तो मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे। वो कहते यार तुम अजीब आदमी हो कि आजकल फास्ट दौर है, फास्ट म्यूज़िक, और तुम अताउल्लाह ही गाने सुनते हो, वो तो ट्रकों वाला म्यूज़िक गाते हैं। तो मेरे सारे मजाक उड़ाते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने उनको मोटिवेट किया, मैंने कहा यार एक बार गाना सुनो तो सही, अब पोइट्री तो देखो। तो उसके बाद बहुत अच्छा रिस्पांस उनकी तरफ से आया और वो भी सर को फॉलो करने लग गए। तो मैं शुरू से बहुत बड़ा इनका फ़ैन था और मेरी ख्वाहिश थी इनसे मिलने की, और मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि आज मुझे जब मिलने का मौका मिला तो मिला तो मैं है ही, उसके साथ साथ मुझे इंटरव्यू लेने का मौका भी मिला। ये मेरे लिए किसी एजाज़ से कम नहीं था। शायद आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इंटरव्यू था इनके साथ, और मैं बहुत बड़ा फ़ैन उनका। सर मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे अंकल कुंदिया के अंदर रहते थे, तो वो आपके जो फरूक लोखड़ी साहब थे उनके दोस्त थे, तो उनके मोहल्लेदार थे। तो मैंने जब भी उन्होंने हमारी तरफ आना तो मैंने उनको घंटा घंटा बिठा के आपकी बातें सुननी कि वो चलते कैसे हैं, वो फिरते कैसे हैं, वो बातें कैसे करते हैं, और क्या कहते हैं, उनकी शख्सियत किस तरह की है। मैं इतना बड़ा फ़ैन था। तो आज मेरे लिए सर बहुत खुशी की बात है कि मैं आपके पास आया, और आप तो, और सबसे अच्छा है सर ये लगा कि आपसे मिलने के बाद आपकी शख्सियत माशाल्लाह इतनी मुतासिर कुन शख्सियत है, इतना आपकी शख्सियत के अंदर सर ठहराओ। मैं बड़ा हैरान हुआ सर कि बहुत कम लोग सर ऐसे होते हैं कि स्टेज के ऊपर आके पूरी दुनिया के अंदर नाम कमाया हो, इज्जत कमाई हो, और इतना आप डाउन टू अर्थ है माशाल्लाह, और इतना प्यार करने वाले हैं। तो सर बिल्कुल आखिर के अंदर सर मेरी ये ख्वाहिश थी कि आपके साथ हम मैं एक गाना हम इकट्ठे गुनगुनाएं, तो प्यार नाल नाचे। सर शुरू मैं करता हूँ तो आपने मुझे कंपनी देनी है। सर वैसे मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन वो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ वो थोड़ा सा करूँ। प्यार नाल ना सही गुस्से नाल देख लिया कर, बीमारा नू शफा मिल जांदी। प्यार नाल ना सही गुस्से नाल देख लिया कर, बीमारा नू शफा मिल जांदी है। सर एक लाइन में बोल दूं, आप मेरी सुन लें। तेरा दीदार चन्ना साड़ी मजबूरी है, रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है। प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारा नू शफा मिल जांदी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आखिर के अंदर सर दो लफ्ज़ उनके लिए सर, जो मेरे दोस्त हैं, बाप हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, जो आपके चाहने वाले मेरी हैं। जानिब से सबको सलाम, इनके अहबाब को, मेरे अहबाब को, मेरे सुनने वालों को, मुझसे प्यार करने वालों को, आप सलामत रहें, हंसते रहें, बसते रहें, मेरी दुआएं आपके सर साथ एक हैं। उजैर चौधरी साहब हैं मेरे और टीचर हैं सर। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे हिम्मत और हौसला आमीन दे, आमीन आमीन। और अल्लाह मुझे इतनी सी, मेरे खुदा मुझे इतनी सी जिंदगी दे दे, उदास मेरे जनाजे से जा रहा है कोई, बस मैं इस धरती को, इस मुल्क को तरक्की याफ्ता कौमों के साथ में आमीन देख सकूँ। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।